क्या ली थी? फोटो ली थी। हाँ अच्छा, इसको अम्मास में पुन्नम में कब मारने का था? अम्मास को मार देने का था। कैसा मारने का था? सांस रोक के? कैसा सांस रोक के? खाली कैसा मारने का था? बीमारी में, बीमारी में डाल के। जोर से बोल, बीमारी में डाल के। उन्होंने दवा गोलियां कर रहे थे, उसका असर भी नहीं होने दे रही थी तू। हाँ काट के ले लूं, दो टुकड़े करूं? हाँ क्या करके मार देने वाली थी? क्या करने वाली थी? सांस रुक रही। जोर से बोल, सांस रोक के मार देने वाली थी। जोर से बोल, सांस रोक के मार देने वाली थी। सांस रोक के मार देने वाली थी। हाँ कई में खिलाई थी सुल्ताना को? कई में खिलाई थी? खाली कर दी। फोटो बाल कपड़ा क्या ली थी? फोटो ली थी। हाँ अच्छा, इसको अम्मास में पुन्नम में कब मारने का था? अमास को मार देने का था। कैसा मारने का था? सांस रोक के? कैसा सांस रोक के? खाली। कैसा मारने का था? बीमारी में, बीमारी में डाल के। जोर से बोल, बीमारी में डाल के। उन्होंने दवा गोलियां कर रहे थे, उसका असर भी नहीं होने दे रही थी तू। हाँ हाँ जकड़ लो उसको और तेज के साथ। सुल्ताना पे जादू कहां से करी तूने? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहां से करी थी? शमशान। जोर से बोल, दोनों तरफ से। अच्छा सुल्ताना पे जादू करके कितना वक्त होगा? कितने साल हो गए? थोड़े दिन पहले, पहले नहीं हो रहा था, अब करीब परसों 15। अच्छा और करी 15-20 दिन पहले। अब फिर फाइनली मार देने का सुल्ताना को? जोर से बोल, नहीं अब नहीं करती। जकड़ लो इसको और जकड़ लो इसकी सारी तंत्र मंत्र क्रिया को। सब आगे पूछेंगे क्या दास्तान चल रही, सब डिटेल में। जब तक इसको कैद करके रखो, चल कमबख्त जा, अभी जब बुलाए आके सारे बात बयान करना, याद करके आके। अरे पानी पिलाओ रे इनको, छोकरो। उनको इससे पहले आए थे, घबराहट कुछ हो रही थी उनको, बंद घर में भी हमला हो रहा था उनके, बेचैनी हो रही, सांस रुक जा रही, दवा खाने दवा गोलियां कर रहे। कतर था दवा गोली एक हद तक काम करती, रूहानियत के ऊपर दवा गोली काम नहीं करती। रूहानियत के ऊपर फिर अमल अमलियात, वो भी अल्लाह के कलाम की ताकत के होंगे। तो शयातीन बलाएं हाजिर होते हैं, वो अल्लाह ने जिसको ताज पिनाया उसके सामने आके बातें करते हो। बाकी वो किसको नहीं गिनते, कोई इलाज वाले को नहीं गिनते, उन्हें उठा के पटियां दे देते, मार देते। बहुत खतरनाक उनको ताकत है, अल्लाह ने दिया उनको नमाज बलाओं को, सब बहुत सारे राज हैं। और जिसने भी करी कराई क्या दास्तान है, क्यों कराई, उन्हें बोल रही थी कि जान दूंगी अम्मास में, और कौन सी भी आने वाले अम्मास में फाइनल देख के मार के खत्म कर दूंगी। उससे पहले अल्लाह के फजलो करम से उनकी कवच बना के जो भी है हम अला करके बचा लेंगे। मगर जो हरकतें कर रहे लोग एक दूसरे के ऊपर, ये गलत बात है ना। तुम क्या सोच के कर रहे कि तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा? तुम क्या सोच के कर रहे कि मेरे पास आने के बाद तो तुम्हारा नाम तो बस उजागर होने वाला है, दुनिया के सामने आने वाला है? बिल्ली दूध पी रही आँख बंद करके, ऐसा समझ रहे तुम? वो बिल्ली पीते ना आँख बंद करके दूध और सोचती कि मुझे कोई देख रहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम कितना भी बन मुट्ठी में रास करो, वो मैं सामने ला के पर्दा उसका फाश करके चलूंगा, क्योंकि यहाँ अल्लाह ने दिया निजाम है और अल्लाह के हुक्म से निजाम चलता और यहाँ नाम सामने आता। मैं पेशेंट को तो जानता नहीं, ना पेशेंट के खानदान को जानता हूँ, ना उनके नाम जानता हूँ, मगर यहाँ आने के बाद हर चीज बयान होती ना, किसने क्या हरकत करा और किसने कब क्या करा, क्योंकि वो अल्लाह ने दिया निजाम है, वो अल्लाह ने दिया ताकतें हैं, वैसी अल्लाह की तरफ की बातें रहते। बंदे और बंदे की जात कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह हर चीज पे खादिर है और उसके ही फजलो करम से फैज मिलता और उसके ही हुक्म से ये सब ऐसे दास्तान सामने आते। बहुत सारे बातें हैं, अल्लाह का सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इबादत की रस्सी को इसलिए बोलता तुम्हारे पहले से मजबूती से थामो, मगर पहले से पढ़ कर रहेंगे लोगों, तो ये वारा करने वालों की वार तुम्हारे ऊपर चलते नहीं, और तुम्हारे ऊपर वार अगर चल गया तो उसको इबादत हटा देती है। अगर तुम कंटिन्यू में इबादत के दौरान में तुम्हारे ऊपर किया गया तो, और तुम इबादत से नहीं कनेक्टेड है, ईश्वर से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर तुम्हारे को जो वार चल जाएगा तो वो एक मिनट में क्या बोलते तो कोई नहीं हटा सकता, फिर वो अंदर तुम्हारे इसमें भीन जाता है और भीनने के बाद फिर उसको निकालना पड़ता है मस्त मस्त खींच कर। जैसा सांप किसी को काट लिया तो इमीजिएटली ऊपर उसके जहाँ काटा वहाँ से थोड़ा ऊपर कपड़ा बांध कर फाड़ दिया तो वो पूरे ब्लड में
खून के अंदर फैल नहीं सकता और बाहर निकल के गिर जाता, छोड़ दिए तो पूरे शरीर में भिन जाता और भिनने के बाद फिर उसको उसके एंटीबायोटिक देके काटना पड़ता। तो वैसे ही बहुत सारे तरीके रहते, बहुत सारे राज है, इसको भी अगर हम मतलब लिया तो छोड़ दिए तो यकीनन ये जान लेता लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है, अगर उसको उसके तरीके से पकड़ में लेके जलाए नहीं जल्दी तो। क्योंकि मैंने इतने लोगों की जान बचाया कि मेरे कुछ को याद नहीं है कि मैंने यहाँ से बैठ के कितने लोगों को राइट करा अल्लाह के नाम से, कितने को दुरुस्त करके उनके जिंदगियां अल्लाह के फजलों का बचा लिया। लेकिन मैंने ये भी देखा अपने आंखों से, ये भी देखा यहाँ बैठ कर मामला कि जिसने नहीं मान कर गया तो वो यकीनन उनके बच्चे, उनके जो भी लोग थे वो मरे, और बाद में वो लोग आकर मेरे सामने रो के बोले कि हम काश आपका सुन के ये बातें जो भी आपने बताए थे लाइव में इस पर अमल करते थे तो हमारे पेशेंट की जान बचती थी, लेकिन हमने समझे नहीं और हम सीधा दूसरे ही पटरी पे चले गए, इलाजा दवा खाने, दवा बोले इंजेक्शन, उसमें वो खत्म हो गया पेशेंट। दवा खाने को जाओ, दवा गोली करो, सही बात है, लेकिन बीमारी पे करो ना, शैतान पे कहां से दवा गोली कार करेंगी, रूहानियत पे कहां से दवा गोली कार करेंगी, अमल अमलियात पे दवा गोली कहां से कार करेंगी। तो उसको उसके तरीके से काटना पड़ता है, इबादत वालों के पास नहीं, अल्लाह वालों को अल्लाह चुनता और अल्लाह उनके हाथ से फैज दुनिया को पहुंचाता। क्योंकि तुम बोलिए हैं हमारा, हम पढ़ के कर लेते जी इलाज, तुम्हारा इलाज बुजुर्गान दिनों के पास कहीं पूछेंगे हम, इधर उधर कहीं पूछेंगे हम, ठीक है ना, करो ना, पढ़ो, कितने साल तुम्हारे बैठ के इबादत करना पड़ेगा, उसके बाद जाके क्या बोलते। तो मिसाल के तौर पे पहले बीज खेत को जोतना पड़ेगा, नांगर मारना पड़ेगा, फिर उसमें बीज डालना पड़ेगा, फिर खाद डालना पड़ेगा, फिर पानी डालना पड़ेगा, फिर कई महीनों के बाद में पौधा निकलेगा, फिर उसको कई सालों के बाद में फल लगेगा या कई महीनों के बाद फल लगेगा। तो वैसा ही फिर तुम इबादत में ढल जाओ, जिक्र अस्कार के अंदर ढल जाओ, तो फिर तुम्हारे को क्या बोलते तो उस मकाम तक अल्लाह तुमको पहुंचेगा, वो भी तुम्हारी नफ्स तुम पे हावी नहीं हो जाना, तुम जिक्र अस्कार करते टाइम इबादत करते मतलब तुम्हारी नफ्स तुम्हारे ऊपर काबिज हो गई तो खत्म, तुम गर्क हो गए, फिर हलाक हो जाते तुम, क्योंकि बहुत सारे राज है तुमको क्या मालूम। और अल्लाह जिसको चुनता और चुन के अल्लाह जिससे काम लेता वो मामला अलग रहते, और तुम सीखने जाएंगे तो तुम्हारे को तो कब का ऐसा मसल के फेंक देते शैताना, कीड़े मकड़ों का मसलते वैसा चारों तरफ से घेर के बहुत बुरी मौत देते। क्योंकि बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं, मेरा बोलने का मकसद यही चलता, तुम लोग खुश रहेंगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली खुश रहेंगी, और तुमको इबादत की राह को मजबूती से थामना है। तुम बोलेंगे भाई मौत से पहले कैसा मर सकता इंसान, अरे आखिर के अंदर अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया ना, मौत से पहले भी तो हमने मौत रखे, शहादत की मौत रखे, मौत से पहले भी और एक मौत रखे, हराम की मौत रखे, और फरमा दिया हराम के करीब मत जाओ, सुसाइड मत करो, वो मौत अगर तुम हराम अपने हाथ से अपना लेंगे तो तुम्हारे लामहदूद जिंदगी कयामत के अंदर भी तुमको सजा मिलती रहेंगी। फिर तो बहुत तुम शहीद हो जाएंगे तो फिर तो तुमको अल्लाह बहुत बड़े बुलंद मर्तबों पे वो करेगा, फाइज फरमाया और फरमा दिया कि उसको मुर्दा मत कहो, शहीद सूरह अल इमरान के अंदर वो जिंदा है। तो वैसे ही तुम भी तो फिर हराम मौत मरिए तो तुम भी तो जिंदा थे, और तुम जादूगर के अंडर में जिंदा बहुत मारने लगा था, उनको काम लगा था, और बाद में फिर लामहदूद जिंदगी में भी तुमको वैसे ही तरीके से मारना है। और बहुत राज है वो तिपुल के नहीं बोल सकता मैं, उतना टाइम नहीं है, बोलूंगा तो दिन निकल जाएगा। दूसरा और दूसरी बात, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे अव्वल और सबसे अफजल बात यह है कि इबादत करो, और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो पहले से तो तुम बचेंगे, और ये ढस के चले जाएंगे तुम आपको जादू के द्वारा, फिर बाद में तो तुम्हारा कोई उसके तरीके से उस काटने से तुम बचते। तुम बोलिए नहीं नहीं मैं मेरे तरीके से इलाज करूंगा तो फिर तुम कैसा ट्रीट कर सकते, डॉक्टर को थोड़ी सिखा सकते तुम, ऐ डॉक्टर यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ ऑपरेशन करना है, तो ये हम जैसा बोल रहे वैसा तू फॉलो करके ऑपरेशन कर, तो डॉक्टर बोलेंगे अध्यय तेरी की तेरा पहले फिर कल्याण हो गया थे। क्योंकि जो जिसका प्रोफेसर जो जिसका माहिरिन रहता उसको उसके तरीके से हल करना पड़ेगा, उसके तरीके से उसको सिखाना पड़ेगा तुमको हल। और इबादत करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे। बहुत सारे राज है में क्या बोलूं, मेरे अंदर टाइम नहीं है, पर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बातें मैं इसलिए बताता तुमको लोगों इसलिए बताता कि तुम सीखेंगे। एक बात मेरी याद रखना, एक मेरी बात याद रखना, अभी बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, आज तक कोई वीडियो के अंदर नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ कि तुम मेरे वीडियो शुरू से आखिर तक अगर देखेंगे, शुरू से आखिर तक अगर वीडियो देखेंगे तो तुम अगर 100-200 वीडियो अगर देखे तो तुमको आधे से ज्यादा तजुर्बा आ जाएगा जादू टोने की दुनिया का, कि तुम्हारे नजरों में वो बात आ जाएगी कि तुम्हारे सामने अगर कोई जादू करने वाला आ रहा तुम्हारा रिश्तेदार तो तुम उसको देख के पहचान लेंगे, अरे इसने कुछ तो भी अभी हरकत करने वाला है और इन्हें हरकत करने के लिए आ रहा। पूछो क्यों? क्योंकि तुम पिक्चर कोई मूवी देखकर आते तो मूवी के अंदर का कोई एक्टर कोई किरदार अदा करता तो उसकी कोई एक्टिंग अगर बाहर करता, सेम शाहरुख खान की या और भी कोई बहुत सारे एक्टर है उनकी एक्टिंग कोई अगर बाहर करता तो तुम उसको देख के पहचान लेते, अरे ये तो वो पिक्चर में के अंदर की एक्टिंग कर रहा है बाहर।
तो वैसा तुम जादूगर को और जादू करने वालों को देख के पहचान लेंगे, अरे इनकी हरकत इनकी रूहानी जो फड़फड़ा रही मेरे सामने, ये बरोबर जादू करने के लिए आए या कुछ भी जाने के लिए आए। तुम खुद महसूस होगा कि मैंने इतने इल्म की बातें सिखाए वाले अंदर मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक, कि तुम उसके अंदर देखेंगे देखेंगे गौर से तो तुमको आधे से ज्यादा दुनिया समझ में आ जाएंगी कि अमल अम्बिया के चलते कैसे। और जो किरदार कोई भी कैरेक्टर अंदर अदा कर रहा, कोई भी पिक्चर के अंदर कोई भी एक्टर, कोई भी बड़े एक्टर, 10 किस्म के एक्टर है, मैं मिसाल बता रहा हूँ, तो फीमेल मेल किसकी भी कोई अगर एक्टिंग अदा कर रहा रोड पे, स्टाइल मार रहा दुकान पे, तुम्हारे बाजू में शादी में ठहर के, तो तुम पहचान लेते बोलते अरे ये तो उसकी एक्टिंग मार रहा वो पिक्चर में, तो सेम वैसे ही तुम अदा पकड़ लेंगे जादूगर की अगर तुम देखेंगे। तुम्हारे इतने रास के बातें सिखाए वाले तुम्हारे उसके अंदर, तुम खुद महफूज हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से, उसे देख के आगा हो जाएंगे और बोलेंगे हाँ यही हरकत करने वाला और यही कुछ गड़बड़ी कर रहा। बहुत सारे राज अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखो लाइव में पूछा दिया, बाकी सब तफसील आ भी लूंगा इंशाल्लाह।